हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुश पुल लेग के बारे में और साथ में बात करेंगे ब्रो स्प्लिट के बारे में कि दोनों में से क्या बेहतर है, दोनों में से किसके प्रोज और कॉन क्या क्या होते हैं, और अगर आप ब्रो स्प्लिट करते हैं तो वो ज़्यादा सही है या पुश पुल आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुश पुल लेग का मतलब क्या होता है। पुश पुल लेग का मतलब होता है आप एक दिन मंडे को सपोज पुश परफॉर्म करेंगे, पुश के अंदर हमारी चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स, तो एक दिन आप पुश की मसल्स ट्रेन करेंगे, अगले दिन आप पुल करेंगे बैक एंड बाइसेप्स, और अगले दिन आप करेंगे लेग्स, और उसके बाद रहेगा रेस्ट, और उसके बाद वापसी आप करेंगे पुश पुल एंड लेग। ये होता है पुश पुल लेग स्प्लिट। और अगला होता है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट का मतलब होता है आप एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही मसल को ट्रेन कर रहे हैं। सपोज मंडे हमने बाइसेप्स ट्रेन करी एंड फिर ट्राइसेप ट्रेन करी, वेंसडे को चेस्ट, उसके बाद बैक, उसके बाद लेग्स, और उसके बाद फोरआर्म्स या आपने एब्स ट्रेन करे, जिस हिसाब से ये मसल को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं, तो उसका मतलब होता है ब्रो स्प्लिट। तो सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करूं तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कर रहे हैं आप, पुश पुल लेग के अंदर क्या है, आप हर एक मसल्स को दो बार ट्रेन कर पा रहे हैं हफ्ते के अंदर, और आप जो हमारा दूसरा है ब्रो स्प्लिट के अंदर आप सिर्फ एक ही मसल को एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है मसल्स की वो सिर्फ बहुत कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। और मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो जो ब्रो स्प्लिट के अंदर क्या करते हैं, आप एक मसल को एक बार ट्रेन कर रहे हैं तो आप बहुत नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर सपोज मैंने मंडे को सिर्फ चेस्ट करनी है और एक दिन मैंने को सिर्फ चेस्ट करनी है ब्रो स्प्लिट के अंदर, और पुश पुल के अंदर मेरे को चेस्ट भी करनी है, ट्राइसेप भी करने हैं, शोल्डर भी करने हैं, तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रो स्प्लिट के अंदर 7 to 8 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है सिर्फ मेरे को आज चेस्ट ही करनी है। लेकिन ब्रो स्प्लिट के अंदर, और मैं पुश पुल के बारे में बात करूं तो पुश पुल के अंदर आप चेस्ट अगर आप 5 एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको पता है मेरे को शोल्डर भी करने, उसके बाद ट्राइसेप भी करने, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जो आपका वॉल्यूम रहता है वो बेटर रहता है ब्रो स्प्लिट के अंदर एज कम्पेयर टू पुश पुल और लेग। अगले फैक्टर के बारे में बात करूं तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रो स्प्लिट के अंदर क्या है, आपने जैसे मैंने आपको बताया आपने एक एक मसल को एक एक दिन बांट रखा है, और पुश पुल लेग के अंदर आप पुश पुल एंड लेग कर रहे हैं, फिर रेस्ट पुश पुल और लेग कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत खराब सी हो जाती है ब्रो स्प्लिट के अंदर। क्योंकि अगर आपका सपोज ऑफिस का कोई वर्क आया या फिर कोई अर्जेंट वर्क आया और आपने एक सेशन भी आपने स्किप कर दिया, अगर सपोज मेरा थर्सडे का सेशन स्किप कर दिया और उस दिन मेरे को शोल्डर करना था, तो आपका पूरे का हफ्ते का जो शेड्यूल है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि अब थर्सडे वाला आपने वर्कआउट फ्राइडे को करना है, फ्राइडे को आपने जो लेग करनी थी वो आप सैटरडे को करोगे, सैटरडे वाली मसल ट्रेन हो ही नहीं पाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ब्रो स्प्लिट के अंदर बिल्कुल खराब सी हो जाती है। लेकिन पुश पुल लेग के अंदर ऐसा नहीं है। अगर सपोज आपने आज पुश किया, कल आपने पुल किया, उसके बाद लेग वाले दिन आपको कोई काम काज कर दिया, तो आपने एक दिन का रेस्ट लेकर वहां पर लेग करा। नेक्स्ट फैक्टर को मैं कंसीडर करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिकवरी का। अगर हम ब्रो स्प्लिट के बारे में बात करें, ब्रो स्प्लिट के अंदर क्या, आप एक मसल को सिर्फ एक ही बार ब्रेक कर रहे हैं। अगर सपोज मैंने चेस्ट के बारे में बात करूं, मंडे को आपने चेस्ट को ब्रेक करा एंड उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो बिल्कुल पीक पे था मंडे को, ट्यूजडे तक वो मतलब एज इन 24 आवर्स से 48 आवर्स लेती है चेस्ट मसल। हर एक मसल जो है बहुत डिफरेंट टाइम लेती है। सपोज फोर आर्म हमारी एक दिन के अंदर रिकवर्ड हो जाती है, लेकिन मैं लोअर बैक के बारे में बात करूं तो वो 7 दिन भी ले जाती है। तो अगर आपने चेस्ट मंडे को परफॉर्म करी, मंडे ट्यूजडे तक और वेंसडे तक वो पूरी की पूरी रिकवर्ड हो गई और थर्सडे को टूटने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रो स्प्लिट में आप ये नहीं कर पाएंगे, उसको फिर दोबारा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुश पुल लेग के अंदर आप कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी फैक्टर। जब मसल आपकी रिकवर हो चुकी है तो उसको इतना टाइम क्यों देना। पुश पुल लेग के अंदर क्या, आपने पुश में अपने चेस्ट को अगर आपने सपोज ट्रेन करा मंडे को, तो आपने ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को वापसी आप चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि फुली वो रिकवर्ड हो चुकी है, तो आप 3 से 4 दिन आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मसल फोकस के ऊपर। तो जब आप पुश और पुल और लेग को परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपका एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने सपोज मंडे को ट्रेन करना है चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, तो आप एक इंडिविजुअल मसल के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। सपोज मेरा शोल्डर जो है बहुत वीक है और मेरे को शोल्डर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का है, लेकिन मेरे को पता है मैं शोल्डर की उतनी एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को चेस्ट भी करनी है और ट्राइसेप भी करनी है, तो इंडिविजुअल मसल्स के ऊपर उतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाता। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ब्रो स्प्लिट के बारे में, अगर मेरे को पता है आज सिर्फ मेरे को शोल्डर करने हैं तो शोल्डर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा, तो इंडिविजुअल मसल्स के ऊपर फोकस बहुत अच्छे से हो पाता है। और अब मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि मैं कौन सी चीज बेटर तरीके से करता हूं, या मैं ब्रो स्प्लिट करता हूं, क्या मैं पुश पुल लेग करता हूं। मैं एक्चुअली दोनों को बहुत मर्ज कर लेता हूँ। मेरी जितनी भी वीक मसल्स है, सपोज मेरे चेस्ट डोमिनेटिंग है, मेरे शोल्डर डोमिनेटिंग है, मेरे एब्स नहीं है, तो उसको मैं मॉर्निंग में परफॉर्म करता हूँ। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कोर टेम्परेचर के बारे में बात करा था, तो कोर टेम्परेचर हमारा जितना पीक पे होता है उस टाइम हमारी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती है। तो जितनी बड़ी मसल्स है मैं शाम को ट्रेन करता हूँ, जितनी मेरी वीक मसल्स है
जो डोमिनेट मेरे को चाहिए कि मेरे को वो डोमिनेट करे, तो वो मैं मॉर्निंग में करता हूँ। तो मेरा ऐसा सीन है कि लाइक अभी जो मेरी वीक मसल्स है वो एक दिन होके स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रांग मसल्स वीक हो जाएगी, और फिर वीक को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे मेरा फ्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं मंडे को एज एन मॉर्निंग के अंदर एब्स ट्रेन करता हूँ, शाम को मैं करता हूँ अपना पुश करा, फिर उसके बाद पुल करा और उसके बाद लेग। इसके अंदर क्या है, पुश पुल लेग के अंदर मेरे एब्स और मेरी वीक मसल्स के अंदर मैं बोलूंगा मेरी एब्स, उसके लिए मैं अपना सुमो जो है सुमो स्क्वाट्स लेग प्रेस के अंदर सुमो स्क्वाट्स करता हूँ। तो मेरे को देखना है, आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि आपकी जो वीक मसल्स है वो कौन सी है, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर स्केड्यूल में डालना पड़ेगा। और आपको छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि मसल्स जो है वो रिकवर्ड हो चुकी है, तो उसको इतना लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा पूरा वर्कआउट स्केड्यूल बनाना है जिसके अंदर हर एक मसल, आपको इवन फोरआर्म्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं फोरआर्म, इस फोरआर्म को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इसको हफ्ते में एटलीस्ट दो बार ब्रेक करना है। आइदर वो चेस्ट है, बैक है, लोअर बैक है, मेरी हैमस्ट्रिंग्स है, मेरे काफ है, ग्लूट्स है, कुछ भी है, आपको हफ्ते में एटलीस्ट दो बार उनको ट्रेन करना है। और आई होप आपका ये जितना भी जो डाउट था ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग वाला, वो सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताया आप कौन सा ट्रेन करते हैं और कौन सा ही करना चाहेंगे, क्या आप स्विच करेंगे पुश पुल लेग से ब्रो स्प्लिट की तरफ या ब्रो स्प्लिट से पुश पुल लेग की तरफ, और दोनों में से कौन सा कन्वीनियंट रहता। और बाकी हमारी वर्सेस सीरीज चल रही है, वर्सेस सीरीज के अंदर आपको कोई भी डाउट है, सपोज सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट, कोई भी आपको सपोज कंपैरिजन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियोस आपको कैसी लग रही है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू।